हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो में हम थ्री प्लेट मोल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ही नहीं करेंगे इसको, मैं बना के भी दिखाऊंगा। तो आज का जो कंटेंट है, आज का कंटेंट जो है हम बोल्ट के बारे में जानेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ, सोल्जर बोल्ट यूज कर रहा हूँ। तो सोल्जर बोल्ट और जो एलन बोल्ट है हम लगाते हैं, तो कहाँ पे एलन बोल्ट लगाना है और कहाँ पे सोल्जर बोल्ट लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज, यहाँ पे हम टेपिंग करते हैं। जब मान लो हम M10 का यूज कर रहे हैं, M12 का यूज कर रहे हैं, M16 का यूज कर रहे हैं, उसका टेपिंग क्या होता है, इसकी क्या स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, वो हम बताएंगे। बाद उसके बाद बताऊंगा, जैसे हमने यहाँ पे क्लियरेंस होल लगाया है, क्लियरेंस होल में कितना क्लियरेंस होना है। अगर आप M16 का क्लियरेंस होल मार रहे हो तो इसमें कितना होना चाहिए। अगर हम M16 में 18 का मार रहा हूँ तो क्यों मारते हैं, क्या स्टैंडर्ड होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और अलग से हम PDF देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर मैं किसी कंपनी का, सपोज मैं मिसुमी का यूज कर रहा हूँ, या मैं हस्को का यूज कर रहा हूँ, या मैं इंटरसाच का यूज कर रहा हूँ, तो आपको स्टैंडर्ड पार्ट में काम करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी से कैसे इंपोर्ट करना है, क्या स्टैंडर्ड रखना है वो बताऊंगा। मैं इम्प्लीमेंटेशन करके मैं दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे M16 का बोल्ट यूज कर रहा हूँ, M16 का मिसुमी का बोल्ट यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरा जो स्टैंडर्ड हेड साइज बनेगा 24 का बनेगा, वो कैसे बनेगा वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके साथ मैं क्लियरेंस लगा के कैसे लिमिट सेट करना है और लिमिट कैसे सेट करना है, उसकी कैलकुलेशन क्या होता है, वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो 2-3 दिन से जो है थोड़ा मैं बिजी था, क्योंकि वीडियो नहीं ले पा रहे कुछ दिनों से, क्योंकि मेरा जो नया ऑफिस है वो इनॉग्रेट हो रहा है। तो आपको अपडेट मिल जाएंगे, जैसे मेरा ऑफिस रेडी हो जाएंगे आप देख पाओगे मेरा जो ऑफिस वगैरह है। मैं नया जगह में नया ऑफिस लॉन्च कर रहा हूँ, वो उसके बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है, आज हम बात करेंगे थ्री प्लेट मोल्ड के बारे में बात करेंगे और आपको मैं स्टैंडर्ड PDF भी दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मेरा स्क्रू पुलर होता है, ग्रैप स्क्रू क्या काम करता है, लाइलन बुश क्यों लगाते हैं, लेट मैकेनिज्म कैसे यूज करते हैं, तो वो उस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो अलग अलग फेस में वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये वाला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये वाला वीडियो अगर मिस कर दोगे तो आगे आपको वीडियो समझ नहीं आएंगे, और पहला वाला भी वीडियो आपको देखना है। तो जिसको भी क्लासेस वगैरह चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे मेरा नंबर मेंशन है, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। बट ऑनलाइन में क्या होता है, अलग अलग टाइप का स्टूडेंट आता है, अलग अलग स्टेट का आते हैं, आउट ऑफ इंडिया का भी स्टूडेंट रहते हैं, तो आपको सीखने में क्या होता है, मज़ा आता है। बहुत लोग जो होते हैं अलग अलग टॉपिक में बात करते हैं, नया नया डेवलपमेंट बारे में बात करते रहते हैं, कोई कोई हम नया मोल्ड बनाते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं कि नया मोल्ड है, इसमें हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मोल्ड की हम रिव्यू करते हैं मोल्ड बनाने के बाद, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लगाएंगे आपकी सोल्जर बोल्ट, बेसिकली आपको पता होना चाहिए हम कहाँ पे सोल्जर बोल्ट लगाएंगे और कहीं पे एलन बोल्ट लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है एलन बोल्ट लगा रहे हो या सोल्जर बोल्ट लगा रहे हो। सोल्जर बोल्ट थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो लोग एलन बोल्ट वगैरह ज्यादा लगाते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप लोग जो है सोल्जर बोल्ट लगा लो, जो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें सोल्जर बोल्ट एलन बोल्ट देखने में कैसे होता है, मैं आपको एक कुछ इमेज से आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो हो गया आपका एलन बोल्ट हो गया, है ना, ये आपका हो गया एलन बोल्ट, ठीक है, ये आपका एलन बोल्ट हो गया। और जो सोल्जर बोल्ट होता है, इस तरीके से आपका सोल्जर बोल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे सोल्जर बोल्ट यूज करेंगे, और कौन सा यूज करूंगा, वो मैं स्टैंडर्ड का यूज करूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसकी आपको कैलकुलेशन निकालना होगा। कैलकुलेशन कैसे निकालना होगा, जो मैं सोल्जर बोल्ट यूज करूंगा उसकी लेंथ कैसे लूंगा मैं। तो जब भी थ्री प्लेट मोल्ड डिजाइन करते हो तो आपको सबसे पहले आपकी लेंथ निकालना होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्लेट डिसाइड करोगे। अब आप लेंथ कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं अलग अलग सेक्शन में बताऊँ, जो थ्री प्लेट मोल्ड है इसकी मैं कंप्लीट केस कराऊंगा, बट अलग अलग सेक्शन में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक साथ बनाता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप जो देखने में भी दिक्कत होती है, इसको मैं अलग अलग सेक्शन में बनाऊंगा। तो आज जो हम केस करेंगे, इसकी लिमिट एंड बोल्टिंग के बारे में केस करेंगे। और ये जो मैं आज जो वीडियो करा रहा हूँ, वो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होंगे कि हर एक थ्रेड की कितना हेड साइज होती है, टिपिंग क्या होती है, क्लियरेंस कितना रखना चाहिए, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछते हैं। और तो मैं आप आज जो है प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको निकालना ये है, इसको निकालना ये आपका जो ये फीडिंग सिस्टम है, इसकी हाइट निकालना है। जो आपने फीडिंग सिस्टम बनाया है, इस फीडिंग सिस्टम का हाइट निकालना है, ठीक है। तो फीडिंग सिस्टम का हाइट कैसे निकालना है, आप क्या करेंगे, हम सॉलिड बॉडी लेके यहाँ पे इसको हम हाइट निकालेंगे। इसके अराउंड 65 mm है, ठीक है। तो मेरे को कितना लेना है, 65 mm का मेरे को जो है इसको मूव करना पड़ेगा। तो 65 mm मूव नहीं करूंगा मैं, इसको थोड़ा ज्यादा करूंगा। क्यों ज्यादा करूंगा, इसके साथ में 5 mm या 10 mm जो है एक्स्ट्रा मैं सेफ्टी के लिए रख दूंगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सिमिलरली, ऐसे यहाँ पे सॉलिड बॉडी ले लेना है आपको। तो यहाँ पे मैं अराउंड 75 mm का जो है मैं इसको मूव करूंगा, ठीक है। एसोसिएटिव को ऑन कर लेना आप। तो जैसे हम मूव करेंगे, तो आपका जो है यहाँ पे जो आपका प्लेट है, उसके साथ हम जो है इसकी जो गाइड पिलर होगा इसको भी ले लेंगे। हमेशा थ्री प्लेट मोल्ड में जब भी गाइड पिलर बनाओगे, इसको आप ऊपर की डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है।
मेन जो लोड है आपको ऊपर की डायरेक्शन की तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग ज्यादा है, तो इसको गाइड कर पाए सही तरीके से, ठीक है। और क्यू देखो मैंने एक तो बता दिया आपको, और दो है रीजन, दो रीजन आप कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। उसका आंसर मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि कितना लोग जो है जानते हैं चीजें, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरा कितना है 65 mm, तो मैंने कितना ले रहा 75 mm, तो मेरा यहाँ पे जब भी रनर होगा तो रनर का जो कॉन्सेप्ट है कैसे गिरेगा उसके मैं अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पुलर पिन वगैरह लगा रखा हूँ, लिमिट स्विच वगैरह लगा रखा हूँ, ठीक है, लाइन ऑन बूस्ट वगैरह लगा रखा हूँ, ये एक कैसे काम करेगा उसके बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं। लेकिन आज का जो वीडियो है हम सोल्जर के बोल्ट कैसे बनाने हैं या एलन बोल्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो मेरा यहाँ पे देख पाओगे तो अराउंड कितने का होगा 65 mm है, तो मैंने 70 mm का मैं जो है मैंने लिमिट ले रखा हूँ, ठीक है। 70 mm का मैं यहाँ पे लिमिट ले लिया, और लेंथ कैसे डिसाइड करना है, लेंथ की क्या कैलकुलेशन होता है, इसके बारे में भी अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, इस वीडियो में हम ये देखेंगे यहाँ पे जो सोल्जर बोल्ट है इसको कैसे असाइन करना है यहाँ पे। तो मेरा जो सोल्जर बोल्ट है मैं कहाँ से रखूंगा, मैं यहाँ से रखूंगा बेसिकली, इसको इन तीनों प्लेट का मेरे को दरकार है, मतलब इस तीनों प्लेट ही सही मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इन तीनों प्लेट को ही लाऊंगा, और मुझे डायमेंशनिंग करने के लिए मेरे को ये चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक ले आऊँ। अब जो मैं सोल्जर बोल्ट यूज करूंगा, आपको कुछ स्टैंडर्ड पता है कितने का आता है क्या आता है? देखो मैं यहाँ पे जो केस यूज करूंगा इसमें मिसुमी का यूज करूंगा, ठीक है। ठीक है, देखो हमको सस्ते में नहीं जाना है, ठीक है। मैंने बहुत चीजें देखा है, है ना, जो सस्ते में रहते हैं ना वो रोते रहते हैं, और जो महंगा लेते हैं वो एक बार ही रोते हैं, ठीक है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आपको जो चीजें यूज करना है स्टैंडर्ड यूज करना है, कुछ भी चीजें सीखना है तो स्टैंडर्ड सीखो, ठीक है, वही बात हो जाएगा फिर। अब सस्ते में चक्कर में सस्ते रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। क्योंकि आप जो है आपका जो पैसा है ना वो एक बार यूज करोगे, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है जो आपको बार बार काम आएंगे, है ना, ठीक है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, इसको अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड में बनाओ जो भी चीजें बनाना है। तो यहाँ पे हम देखो जो मेरा ये प्लेट है तो मेरा कहाँ से लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इस एरिया से मेरे को लगाना है। अब मिनिमम जो है M12 का यूज करूंगा मैं, ठीक है, M12 का मैं सोल्जर यूज करूंगा। M12 का सोल्जर का जो हेड साइज आता है कितना आता है नहीं पता आपको? नहीं पता ना, तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। देखो अगर आपको लिखना है तो लिख लो, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आपको, लिख लो लिखना है तो, क्योंकि आपका ये काम आएंगे बार बार, ठीक है। M12 का अगर लिखना है तो वीडियो को पॉज कर लेना या स्लो कर लेना, म्यूट कर लेना, तो एक एक करके आप लिख लेना, मैं यहाँ पे वोल्टेज आऊंगा आप लिखते जाना, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक जो आपका पहले हम लगाएंगे सोल्जर बोल्ट के बारे में, ठीक है, उसके बाद मैं टेपिंग और क्लियरेंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं M8 का, देखो सोल्जर बोल्ट लगाओगे मिनिमम तो M8 का लगाओगे ना, M6 का तो लगाओगे नहीं, मिनिमम M8 का लगाओगे, क्योंकि सोल्जर बोल्ट कहाँ लगाना है? अच्छा सोल्जर बोल्ट जो है एलएन बोल्ट जो है कहाँ पे लगाना होता है, ठीक है, किस एरिया में काम करते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे लगाना है ये चीजें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे मिसुमी का लगाऊंगा तो मिसुमी का जो स्टैंडर्ड होता है ना, अगर आप सोल्जर बोल्ट लगाते हो तो अभी मैं लाइब्रेरी से कैसे इम्पोर्ट करना है वो भी बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप यूज भी कर पाओगे कैसे आपको लाइब्रेरी से वो चीजें लगाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ चीजें मिस मत करना, अगर कुछ चीजें मिस कर दोगे तो इन फ्यूचर उस सबका यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं भी जो भी मोल्ड डिजाइन सिखाता हूँ वहाँ पे मैंने लाइब्रेरी से सिखाता हूँ, मोल्ड विजार्ड का भी यूज करना सिखाता हूँ, और आपका मिसुमी वाला लाइब्रेरी से मैं भी यूज करना सिखाता हूँ, दोनों तरीके से मैं मोल्ड विजार्ड सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कैसे यूज करके बनाना है और लाइब्रेरी से कैसे यूज करना है स्टैंडर्ड पार्ट दोनों सिखाऊंगा मैं, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाओगे वहाँ पे आपको 4-5 स्टैंडर्ड आपको यूज करना आना चाहिए। कल अगर आपको बोल्ड है जो मेरा लिप्टर का जो मेरा मूविंग ब्लॉक है उसका जो मैं नीचे का जो मेरा सपोर्ट जो होता है ना आपका, उसको मैं यूज करूंगा हस्को का, तो आपको पता होना चाहिए कैसे वो स्टैंडर्ड यूज करना होगा। कल बोले मैं मिसुमी का यूज करूंगा, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कैसे मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, वो सारा चीजें आपको मैं बताऊंगा कैसे यूज करना। जो मैं कोर्स कराता हूँ उसमें मैं हर एक चीजें बताता हूँ कि मिसुमी का यूज करना है तो कैसे यूज करोगे, हस्को का यूज करना है तो कैसे करोगे, तो सारा चीजें आपको वहां से मिल जाएंगे, ब्लॉक वगैरह कैसे लेना है। आज मेरा जो टॉपिक है बेसिकली यहाँ पे बोल्टिंग का है। तो यहाँ पे जो सोल्जर बोल्ट है, सोल्जर बोल्ट हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मैं मिसुमी का यूज करूंगा, मिसुमी का ज्यादातर चलता है, तो मिसुमी का मैं यहाँ पे M12 का यूज करूंगा, ठीक है, M12 का यूज करूंगा। अगर M12 का मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे हेड साइज जो बनता है ना, जो आपका हेड साइज बनता है वो अराउंड बनता है 17 mm का हेड साइज आता है, तो हम 1 mm क्लियरेंस ले लेंगे तो 18 mm का बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे M12 का लगाऊंगा, M16 का भी लगा सकते हो लेकिन M12 का चार्ट लगाऊंगा तो ठीक है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, सिंपली यहाँ पे हम स्केच ले लेंगे, ठीक है। स्केच लेने के बाद इसकी लोकेशन दूंगा मैं, लोकेशन कहाँ है, और लोकेशन ऐसे नहीं देना आपको,
लोकेशन आपको देना है इस तरीके से, बोल्ड लगाना है और इसकी अराउंड में एक इसकी जो डायमेंशन देना है आपको एज से देना है, ठीक है। इसकी जो एज से हम डायमेंशन देंगे, ये आपके आसपास नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 30 mm की जगह मैं इसको 35 mm कर देता हूँ, और यहाँ से भी आपको कुछ सर्टेन डायमेंशन देना है, यहाँ से भी, यहाँ से जो है हम 55, ठीक है। 55 तो मैंने दे दिया, लेकिन आपको यहाँ पे एक होल बना के भी देखना है, क्योंकि आप जो यूज़ कर रहे हो कितने का यूज़ कर रहे हैं। M12 का यूज़ करूँगा ना, M12 का यूज़ करूँगा तो मेरा हेड साइज जो होगा 17 का है, तो मैं यहाँ पे 18 का यूज़ करूँगा। 1 mm क्लियरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पे 1 mm का जगह मैं 2 mm रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा नीचे वाले ब्लॉक में मुझे क्लियरेंस चाहिए अच्छा वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझ रहे हो ना, किसी को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है इसको 19 mm कर दूंगा मैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप इस तरीके से, कहीं पे टच में नहीं होना चाहिए, आसपास भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अगर आसपास में होगा तो आप इसको स्केच को थोड़ा सा मूव वगैरह कर सकते हो, जैसे मैं 8 का कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मूव भी कर सकते हो, क्लियर। मैं अभी एक बना के उसको मिरर मारूंगा, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को अभी सोल्जर बोल्ड लाना है, ठीक है। कैसे लाना है, उससे पहले हम जैसे कि यहाँ पे कितने का करना है, M12 का लगा रहा हूँ, तो M12 का जो थ्रेडिंग करूंगा मैं यहाँ पे। अब देखो अब आ गए ना लाइन पे, अगर मैं M10 का यहाँ पे मैं टेपिंग करूंगा, ठीक है। अगर मैं M5 का टेपिंग यूज करता हूँ तो यहाँ पे कितने का आप टेपर होल्ड करोगे, लिखना है तो लिख लो, कॉपी और पेज आपका निकाल लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीजें इंटरनेट पूछता है। अगर आप M5 का टैपिंग करते हो ना तो आपको यहाँ पे 4.2 mm का आपको टैपिंग करना पड़ेगा। अगर आप M6 का करते हो तो यहाँ पे 5 mm का टैपिंग करना पड़ेगा। अगर आप M8 का करते हो तो 6.75 या 6.8 करते हैं लोग, 6.75 का आता है। M10 का टैपिंग करते हो तो 8.5 का टैपिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, 8.5 मतलब 8.5 का होल, ठीक है। M12 का यूज करूंगा ना, M12 का क्या होता है 10.25 आता है, 10.25 का टैपिंग होल होता है। M16 का यूज करूंगा तो 14 का टैपिंग मारना पड़ेगा। M20 करूंगा ना 17.5, ये लिख लो किसी कॉपी में, टैपिंग होल की बात कर रहा हूं मैं, क्लियरेंस होल नहीं है। अगर क्लियरेंस होल होगा ना, अगर मैं यहाँ पे M12 का मारूंगा ना क्लियरेंस होल, तो M14 का करूंगा मैं होल, क्लियरेंस होल, क्लियरेंस होल का, हाँ ये देखो क्लियरेंस होल, ठीक है। ये होल थ्रेडेड होल, अभी जो मैंने बोला आपको थ्रेडेड होल का है, तो थ्रेडेड होल मैं किसका मारूंगा, M12 का मैंने आपको कितना बताया था, 10.25 ना, देखो M12 यहाँ पे आपको क्या मिला, 10.25 को 3 मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे हम 10.25 का मारेंगे होल, क्लियर। कुछ डाउट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा इसके आर को सेंट्रल ले लेंगे और यहाँ पे आपको 10.25 का होल कर देंगे इस तरीके से, क्लियर। ये हो गया आपका टेपिंग का। अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें क्लियर होल लगाना है, क्लियर होल लगाना है, ठीक है। अब क्लियर होल कैसे लगाओगे आप, मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। टेपिंग होल समझ गया आपने, क्लियर होल के बारे में बता रहा था। देखो क्लियर होल, अगर आप M12 का बोल्ड यूज करते हो ना, जैसे मैंने M12 का मैं बोल्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। M12 का बोल्ड का जो क्लियर होल होगा ना, जैसे यहाँ पे क्लियर होल होता है और नीचे हेट होगा, तो क्लियर होल कितने का बनेगा आपका, M12 का 14 का क्लियर होल बनेगा, ठीक है। और जो आपका हेड आता है, जैसे मैंने बताया M12 का हेड 17 का रखूंगा, तो मैंने यहाँ पे 19 का रखा। अब मैं ये चीजें बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, अब मैं लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। मेरे को चाहिए सोल्डर बोल्ड, ठीक है। सोल्डर बोल्ड कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा। मेरा वीडियो हमेशा थोड़ा लंबा होता है, लेकिन क्या होता है उसमें मैं हर एक चीजें डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। इसको भी क्लास वगैरह लेना है, उसमें और डिटेल में मिलेंगे आपको। यहाँ पे सोल्डर बोल्ड लूंगा मैं, इस टाइप का लूंगा, लेके मैं होम में जाऊंगा। जाने के बाद मेरे को कितने का लगाना है, M12 का लगाना है, राइट। M12 का लगाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं क्या जाऊंगा, सीधा जाऊंगा यहाँ पे, DD मतलब क्या होगा इसकी, DD मतलब इसका सेंटर में जाऊंगा, M12 में क्लिक कर दूंगा। M12 में मैं क्लिक कर दूंगा, अब मेरे को कितना था ये 17 mm का था, कितना था ये मूवमेंट 17 mm का था, सॉरी 77 कितना था 65 का था, 17 mm का मेरा मूवमेंट था, और नीचे से मेरा इसको स्टॉक देना पड़ेगा। तो अराउंड जो मैं इसकी जो लेंथ लूंगा ना, जो मेरा लेंथ लूंगा ना, ये मेरा अराउंड लूंगा 100 mm का, थोड़ा सा सिस्टम ना गड़बड़ा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है 100 mm लूंगा मैं। उसके बाद मेरे को F लेना है, F जो होता है ना, ये F क्या होता है, बेसिकली F जो होता है ना टेपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है।
एम जो है मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, 12 का जो है मेरा टेपिंग हो जाएगा, 12 mm 15 mm टेपिंग पोर्ट काफी होता है, तो यहाँ पे लूंगा मैं। लेने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा मॉडल आउटपुट में, एक बार मैं कौन जो मिशुमी का मुझे पार्ट नंबर है इसको मैं नोट डाउन कर लूंगा, क्योंकि मुझे यही ऑर्डर करना पड़ेगा, तो ये नंबर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को किस में चाहिए, पैरासोलिड में चाहिए, ठीक है। किस में मेरे को फोल्डर चाहिए, मैं अपना फोल्डर बना लेता हूँ, आज का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एम 12 का चाहिए, डी मतलब ये मेरा 12 का चाहिए, 10 mm मेरा 100 mm ये लेन का चाहिए, ये लेन मेरा 100 mm चाहिए, और ये जो है मैं कितना ले रहा हूँ, 12 mm का ले रहा हूँ। एफ एफ कैसे पता लगेगा आपको, 2D व्यू में जाके एफ आप निकाल सकते हो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाने के बाद मॉडल व्यू में जाके इसको मैं जनरेट कर दूंगा, जैसे मैं जनरेट कर दूंगा ऑटोमेटिकली मेरा जो मॉडल है वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, और ऑलरेडी वो वाला पार्ट वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ जो मैं आपको बोल रहा था कि स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। ये देखो मेरा यहाँ पे पैरासोलिक फाइल बन के आ गया, ये नंबर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल में जाके इसको इम्पोर्ट कर लूंगा, जो भी मेरा आज का डेट था ये डेट मैंने बना रखा हूँ आपके लिए, इसको मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूंगा। देखो अब मेरा यहाँ पे सोल्जर बोल जो है मेरा आ गया, इसको मैं कंट्रोल टी करूंगा और इसको मैं एक डायनेमिक करके इसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको मैं कितना घुमा दूंगा, 180 degrees, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है ओके कर, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद जो मैं इसको कंट्रोल टी करूंगा, कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट लूंगा, पॉइंट टू पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स है, के बाद आपको इसके जो आपने होल बनाया था ना, ये वाली होल, तो इसकी पॉइंट में इसको ले जाना है आपको, ठीक है। ओके कर, अब जैसे आप ओके करते हो तो आपका जो लिमिट बनता है ना, जो लिमिट बन रहा है आपका, यहाँ तक लिमिट बन रहा है, यहाँ तक लिमिट बन रहा है, और मैंने आपको बताया था ना जी करके, मैं दिखा देता हूँ कितने का है, कितने का बन रहा है M12 का, देख पा रहे हो ना, 8.5 मतलब क्या, 16-17 का बना ना, मैं आप कितना बताया था आपको, M12 का जो आपकी मिशुमी का सोल्जर बोल्ड आता है वो 17 का हेड बना, ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा ना मैं M16 का लगाऊंगा, मैं फटाक से बोल दूंगा M16 का लूंगा, 24 का ही हेड आएगा, ये 24 का हेड आएगा मेरा, क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑर्डर करते रहता हूँ, मुझे पता है ये चीजें कैसे होता है, आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इसको ले आता हूँ, अब मैं करूंगा यहाँ से, ये जो देख पा रहा हूँ ना कितना है, 20 कितना का है, ये 20 हमने लिया था 17 का है, अभी अपने को 2 mm जो है हम क्लियरनेस रखेंगे इसमें, क्लियरनेस रखेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ से इसकी जो ये होल है ना, इसको लेके रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा, सिंपली यहाँ रिवर्स डायरेक्शन कर, और पार साइड जो है 1 mm कर दूंगा, 1 mm, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा सबट्रैक्ट, अभी यहाँ पे सबट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सबट्रैक्ट करेंगे ना गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो ये 19 का बन गया, ये हो गया क्लियरेंस आपका, और यहाँ पे भी क्लियरेंस देना है आपको, यहाँ पे भी आपको क्लियरेंस देना है। अब ये क्लियरेंस क्या है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, पहले एक एक करके समझो। अब मेरा जो ये प्लेट है, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट में मेरे को तो होल चाहिए, यहाँ पे तो मेरे को तो होल चाहिए ही चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब मेरा जो है एक बना रखा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। क्यों हटाना है मुझे आपको दोबारा से समझाना है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ, मुझे आपको समझाना है ना दोबारा से कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको हटा दिया। अब आप देखो ये जो मैंने इसको एक्सट्रूड करा है ना, इसको एक्सट्रूड में एकदम नीचे तक ले जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा ये जब क्लोज होगा ना तो 70 mm नीचे जाना चाहिए, मेरा 70 mm जो है ये नीचे जाना चाहिए, ये जो है 70 mm मेरा नीचे जाना चाहिए, तो इसको मैं नीचे ले जाऊंगा आर पार, क्लियर है, मैं एक में बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 70 mm नीचे ले गया। अब उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देना है, सिंपली इसको लेके इसको सबट्रैक्ट, शिफ्ट टूल ऑन करना है, इसको लेके इसको सबट्रैक्ट, कहीं पे आसपास नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, इसको लेके इसको सबट्रैक्ट, ठीक है, आर पार नहीं आना ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये मैं डिलीट कर लूंगा, ठीक है, डिलीट करने से क्या हिस्ट्री रह जाता है, देखो ये आराम से आ जाएगी, देखो ये लो ना कितना क्लियरेंस दे रखा हूँ मैं, ठीक है, M12 का लगा रखा हूँ मैं, M12 का, ठीक है, M16 का लगा सकते हो आप, M12 का मैं 4 लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट जो कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, कितने का, M12 का लगा रहा हूँ, M12 का जो क्लियरेंस होल्ड होता है ना कितने का आता है नहीं पता,
लिख लो, मैं क्लियरेंस रूल के बारे में दोबारा बता देता हूँ। अगर आप M5 का बनाते हो ना, तो उसका 5.5 का क्लियरेंस रूल लेना पड़ता है। M6 का लेते हो तो 6.5 का लेना पड़ेगा MM में, ठीक है। M8 का लेते हो तो 9 mm का लेना पड़ेगा। M10 का लेते हो तो 11 mm लेना पड़ेगा। M12 का मतलब 14 mm का लेना पड़ेगा, ये होल क्लियरेंस होल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। M16 का यूज करते हो तो कितना लेना पड़ेगा, 18 mm का। M20 का मतलब 22 mm का लेना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट तो कर दूंगा, मैं कर दिया। उसके बाद जो इसको मैं जाऊंगा यहाँ पे रिसाइज में, रिसाइज फेस में जाके कितने का है 12, M12 का कितना होता है 14 mm का, तो हम यहाँ पे 14 mm कर देंगे। अब देखो, ठीक है, अपने क्या कर दिया, क्लियरेंस कर दिया। अब ये क्लियरेंस हो गया, ये टेपिंग हो गया। आपने आज वीडियो में क्या समझा, क्लियरेंस होल कैसे निकालते हैं, क्या इसकी स्टैंडर्ड होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टेपिंग होल बनाते हो तो टेपिंग होल का क्या फॉर्मूला आता है, सोल्जर बोल और एरन बोल कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं, सीखा आपने। तो ये लिमिट कैसे डिसाइड करा मैंने, इसको भी बता दिया आपको। आज का वीडियो में आपने टेपिंग के बारे में समझा, क्लियरेंस होल के बारे में समझा, सोल्जर बोल के बारे में समझे, एलन की बोल के बारे में समझे, कहाँ पे किसको लगाना है, कैसे यूज करना है, कैसे इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं, उसके बारे में समझा हमने। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आपको अलग से पूछना है कमेंट सेक्शन में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो देखो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 बोल्ट बनाना है। अब जैसे मैं पूरा मोल को ले आऊंगा तो आपको ये भी दिखना है, जैसे इसको मैं अगर क्लोज करूंगा ना 17 mm, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है प्रेशर तक। आपको ये भी देखना है कि इसको मैं 17 mm अगर नीचे ले जाऊंगा ना, एक बार हम देख लेते हैं कहीं पे टूटना नहीं चाहिए, टूटेगा तो स्पेशल में होल कर दूंगा मैं, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो, ठीक है। -17 mm, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो हवा में है ये, क्लियरेंस है, ये यहां तक बैठ जाएगा ये, ठीक है, समझ गया आपने, ठीक है। यहाँ पे ये 4 जगह में करना है, यहाँ पे भी एक करना है, यहाँ पे यहाँ मिरर करना है, या पैटर्न कर दो आप, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपको देखो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपकी पिन पॉइंट गेट है, जो आपकी फीडिंग सिस्टम है 3 प्लेट मोल की, उसकी आपको हाइट निकालना है। हाइट निकालने के बाद आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी 8 से 10 mm रखना है, ठीक है। 8 से 10 mm रखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है मेरा जो सोल्जर बोल्ट है या एलन बेल, जो भी मैं यूज करूंगा, सोल्जर बोल्ट आपको यूज करना है, उसका मुझे स्टैंडर्ड पता लग गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मैं लाइब्रेरी से है, मैं उसकी 60 mm, मेरा क्या है 65 mm का स्ट्रोक है, प्लस मेरे को यहाँ पे 20 mm मेरे को चाहिए स्टैंड के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 70 mm प्लस 20, 90 mm, लगभग मैं इसमें 100 mm का मैंने ले लिया है, 100 mm का मैंने यहाँ पे बोल्ट ले लिया। 100 mm का बोल्ट क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 20 से 25 mm मैं सेफ्टी रखूंगा, यहाँ पे 70 mm एंगेज रहेगा, तो मेरा 95 का नहीं आता है, 90 का आता है, 100 का आता है, ठीक है। तो मैं 100 mm का ले लिया, 100 mm का ले लिया, कौन सा ले लिया, कैसे लेना है, मैंने आपको लाइब्रेरी से समझा दिया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे होल बनाया, होल बना के मैंने M12 का ले रहा है, M12 का टेपिंग होल मारा यहाँ पे, M12 का टेपिंग होल कितना का आता है, 10.25 का आता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, NS में 10.3 का मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इसकी हेड साइज निकाला, हेड साइज कितने का आता है M12 का, पिसुमी का 17 mm का, 17 mm में यहाँ पे क्लियरनेस मारूंगा, तो मैंने 1 mm ऑफसेट मार दिया कि यहाँ पे क्लियरनेस, मैंने 19 mm का क्लियरनेस कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे होल होता है ना, जो ये होल होता है, ये जो हेज वाला जो होल होता है, इसमें हमको क्लियरेंस होल मारना पड़ता है। तो M12 का क्लियरेंस होल कितना होता है, M14 का लगाते हैं, 14 का मारते हैं, 14 mm का मारते हैं। तो आपको समझ में कैसे कैसे मैंने किया, इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड पार्ट यूज करना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से यूज करना है। अगर आपको हस्को कोई चाहिए, अगर आपको बोडेसिक कोई चाहिए तो मैं इसमें बता दूंगा, इंसरसर्च का भी चाहिए तो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। जिसको भी ट्रेनिंग चाहिए इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल चीजें बनाना है, स्टैंडर्ड पार्ट यूज करने को, अगर आप अच्छी कंपनी में जाओगे, लोकल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हर एक पार्ट स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कि आपके लिए अलग से सोल्डर बोल्ट बना देगा। आपको पता होना चाहिए मैं इस कंपनी से मंगवाऊंगा, इतना इतना साइज आएगा, वहाँ से चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। बड़ी कंपनी में जैसे जाओगे ना, आपको सारा स्टैंडर्ड में खेलना आना चाहिए, लोग मोल बनाने से काम नहीं होता है, सारा स्टैंडर्ड पार्ट संभालना आना चाहिए, चीज़ें आपके ऊपर होगा, हर एक पार्ट कैसे बोम बनाओगे, बोम में डिटेलिंग वगैरह कैसे करोगे, क्या क्या पार्ट देना पड़ेगा, ये सारा चीज़ें आपके ऊपर है, तो आपको वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजें में काम करने लग गए ना, ठीक है, तो फिर आप एक अच्छा डिजाइनर बन पाओगे। ऐसे मोल्ड डिजाइनर कोई भी बना सकता है, कोई भी बना देगा कुपलेट मोल्ड, ठीक है। सारा चीजें आपको स्टैंडर्ड पार्ट बनाना आना चाहिए, सभी चीजें आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। किसी को भी कुछ चीजें पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस क्लास वगैरह सीखना है, ठीक है, हर एक तरीके से आपको जैसे बीजाप में भी सिखाते हो, वहां पे भी सीखना है, मोल्ड फ्लो भी सिखाते हो, ठीक है, 3 साल लाइब्रेरी में भी काम सिखाता हूँ, वो सारा चीज़ें भी सीखना है, तो नंबर मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने एक टाइम लास्ट भी बताया था, ठीक है,
हर एक जो भी बनाना है आपको स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है, हर एक चीज़ हम मोल जो बनाते हैं ना एनिमेशन करके देखते हैं कि मोल चलेगा कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आएंगे, हम मोल का रिव्यू भी करते हैं। जैसे हम एक मोल बनाते हैं, मैं स्टूडेंट से जब मैं सिखाता हूँ लास्ट में एक मोल का रिव्यू करवाता हूँ कि मोल रिव्यू में हम क्या क्या पॉइंट, जो हम लोग का जो आता है ना जो भी एरर आता है मोल डिजाइन में, वो सब चीज़ें कैसे एलिमिनेट करते हो, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हो, एक अलग से हम लोग के पास चार्ट होता है, उस चार्ट के थ्रू हम उससे एलिमिनेट करते हैं कि ये चीज़ें गलत है, ये स्टैंडर्ड बनाना है, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ, आपको अच्छा लगेंगे, देख लो कोई भी चीज़ें हैं। और इसको भी क्लास वगैरह लेना है, नंबर मेंशन है, आप क्लास के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और सारी चीज़ें आपको मैं स्टैंडर्ड में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।